एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें शिनिगामी की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ शिनिगामी आपस में रियुक के बारे में बातें कर रहे थे। वे कहते हैं कि क्या रियुक ने सचमुच अपनी डेथ नोट खो दी है। दूसरा शिनिगामी कहता है कि हाँ, उसने इंसानी दुनिया में खोने पर जरूर किसी इंसान को मिल गई होगी। एक और शिनिगामी कहता है कि अगर ऐसा है तो रियुक को तब तक वहाँ रहना पड़ेगा जब तक की डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती या फिर वह इंसान मर नहीं जाता। शिनिगामी आगे कहता है कि हमने सुना है कि रियुक के पास एक और डेथ नोट है, लेकिन ऐसे कैसे, उसके पास ये दूसरी डेथ नोट आई कैसे। इधर लाइट रियुक से कहता है कि क्या सचमुच मुझे शिनिगामी आइस पाने के लिए अपनी उम्र तुम्हें देनी होगी रियुक। तो रियुक कहता है कि हाँ, तो क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो। तब लाइट कहता है कि रियुक, इस डील का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ कुछ भी क्राइम ना हो, और मैं उसका भगवान बनकर रहना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी को बढ़ाने का ऑफर देते तो ये डील करने लायक होती, लेकिन जिंदगी को घटाना कौन चाहेगा, ये तो तुम समझते ही होंगे। तब रियुक कहता है कि मैंने तो इसलिए तुम्हें बताया, वरना तो बाद में कहते कि मुझे बताया नहीं। तो लाइट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये बताने के लिए तुम लेट हो गए, क्योंकि जब तुम मुझे मिले थे तभी मुझे ये बात बता देनी थी, या फिर इंस्ट्रक्शन के साथ डेथ नोट पर लिख देते। इस पर रियुक सोचता है ये कैसा बंदा है जो एक शिनिगामी से डरता ही नहीं है, इससे बहस करना भी मुश्किल ही है। लाइट फिर पूछता है कि और कुछ बताना है क्या मुझे। तब रियुक कहता है नहीं, सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इस पर लाइट कहता है कि ये डील तो तुम्हारी बेकार है, अच्छा होता तुम अगर आंखों की जगह अपने पंख मुझे देते तो मैं भगवान की तरह आसमान में उड़ सकता। तब रियुक कहता है कि ये तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पुलिस ऐसे तुम्हें पहचान लेगी और पकड़ लेगी। लाइट कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी अगर तुम मुझे अपनी आंखें और पंख दे दोगे तो मैं शिनिगामी बन जाऊंगा। तो रियुक कहता है कि इन चीज़ों के बिना भी तो मैं कच्चे शिनिगामी हूँ, क्योंकि शिनिगामी वर्ल्ड में आजकल कुछ भी सही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है और इसे बढ़ाने के लिए भी हमें इंसानों को मानना पड़ता है। हमारी लाइफ का मकसद ही क्या है, पता ही नहीं। इसके हिसाब से तुम एक अच्छे शिनिगामी हो। लाइट कहता है कि रियुक, तुम्हें लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मगर तुम शिनिगामी से मुझे कंपेयर मत करो, क्योंकि मैं तो इंसानों के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि इस दुनिया को बेहतर बना सकूं। और यह भी नहीं कह सकती कि शिनिगामी वर्ल्ड बेकार है, क्योंकि जब भी कोई शिनिगामी ह्यूमन वर्ल्ड में आता है तो सब बहुत डरते हैं उनसे। लेकिन तुम्हारे हिसाब से शिनिगामी दुनिया बर्बाद हो रही है, तो जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो उसे बदलने की कोशिश करना। तब रियुक कहता है कि तुम तो एक पॉजिटिव थिंकर हो। तब लाइट कहता है कि हाँ, तभी तो मैं इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहता हूँ। अब लाइट को एक आइडिया आता है जब वो रूल्स पढ़ रहा होता है, फिर वो अपनी स्टडी टेबल पर चला जाता है। लाइट कहता है कि मुझे एक आइडिया आ गया है कि मैं इस डिटेक्टिव को कैसे पता लगा सकता हूँ। इसके लिए मुझे डेथ नोट के रूल्स को एक ट्रिक के साथ इस्तेमाल करना होगा, और मुझे ये एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे कि मैं डेथ नोट में टाइम को कहाँ तक कंट्रोल कर सकता हूँ। किसी भी डेथ नोट में अगर मैं कॉज ऑफ डेथ लिख देता हूँ तो 6 मिनट 40 सेकंड में मुझे उसे डिस्क्राइब करना है, जैसा कि मैं कर लूंगा। और डेथ नोट में मैं डेथ का एक टाइम भी फिक्स कर सकता हूँ, और अब बस मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि कैसे मैं डेथ के टाइम को यूज करूँ ताकि वो मेरे लिए काम कर सके और फायदेमंद हो। अब अगली सुबह चीफ को फोन कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि 6 और लोग मारे गए हैं, और इस बार उनकी डेथ थोड़ी अजीब हुई है। कहने का मतलब है कि उन्होंने मौत से पहले कुछ अजीब हरकतें की हैं, जैसे कि एक ने मरने से पहले दीवार पर अपने खून से एक अजीब सा सिंबल बनाया, दूसरे क्रिमिनल ने एक नोट लिखा था जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, और तीसरा अपने सेल से भागा और बाथरूम में जाकर मर गया। यहाँ वादरी एल को कांटेक्ट करता है और उसे ही सारी जानकारी देता है और सारे प्रूफ भी उसे भेजता है। ये देखकर एल सोचता है कि यह लेटर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी क्रिमिनल ने कीरा से डरकर कुछ कहने की कोशिश की है। ये बात तो हम जानते हैं कि कीरा मरने का टाइम कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कीरा क्रिमिनल्स के मरने से पहले उनकी सारी एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है। एल चीफ को कहता है कि ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिक के लिए न्यूज में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कीरा ये सब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और मीडिया में यह बात रिपोर्ट्स में गई तो कीरा को पता चल जाएगा कि उसके एक्सपेरिमेंट्स काम कर रहे हैं। उधर लाइट अपने डेट कंप्यूटर को हैक करता है और उसे ये सारी रिपोर्ट्स की फाइल मिल जाती है, और अब वो सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था, मेरी डेथ नोट अब अलग तरीके से काम कर रही है, क्योंकि पहला विक्टिम भागकर बाथरूम में गया और वहां मर गया ठीक 6 बजे, और दूसरे विक्टिम ने ठीक वैसा ही सिंबल बनाया जैसा कि मैंने बनाया था, और तीसरे ने वर्ड टू वर्ड वैसा ही लेटर लिखा था जैसा कि मैंने डेथ नोट में लिखा था। इन 3 लोगों पर एक्सपेरिमेंट काम कर गया, लेकिन बाकी 3 लोगों ने वैसा काम नहीं किया जैसा कि मैं चाहता था। मैंने लिखा था कि विक्टिम को 1 घंटे के अंदर एफिल टावर पर जाकर मरना है, क्योंकि कोई भी इंसान जापान से फ्रांस तक 1 घंटे में नहीं पहुंच सकता है, तो इसलिए वह सिर्फ हार्ट अटैक से मर गया। दूसरे के लिए मैंने लिखा था कि वह एल का चेहरा दीवार पर बनाए, लेकिन जब उसने एल को देखा ही नहीं तो वो कैसे बना पाता। तीसरे के लिए मैंने लिखा था कि वह लिखे कि एल को पुलिस पर डाउट है, लेकिन उस विक्टिम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब वो एल को ठीक से जानता ही नहीं और उसे पता ही नहीं कि ये सब क्या चल रहा है, तो उसने भी कुछ नहीं लिखा। मुझे ऐसा लगा कि
करेगी या काम करेगा। इसका मतलब डेथ नोट भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो इम्पॉसिबल हो। हम लोगों से सिर्फ वही चीज़ करवा सकते हैं जो उन्हें पहले से पता हो, लेकिन फिर भी पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकती कि मैं क्या कर रहा हूँ, और भी यह नहीं जान पाएगा कि उस सिंबल और उस लेटर का क्या मतलब है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि एल सोच रहा था कि कीरा क्रिमिनल्स को गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो कोई भी हरकत करेगा तो FBI उसे पकड़ लेगी, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि उसका मोटिव कुछ और ही हो। ये सिंबल और लेटर कोई हिडन मैसेज हो सकता है क्या? तभी एल नोटिस करता है कि सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि एल क्या तुम्हें पता है। अब क्योंकि जापानीज में ऊपर से नीचे और राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, ना कि हिंदी इंग्लिश की तरह लेफ्ट टू राइट, लेकिन एल उसे राइट टू लेफ्ट पढ़ लेता है। अब दूसरी तरफ हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। कहता है कि मेरा प्लान अब शुरू होने जा रहा है। उसने एक क्रिमिनल को सिलेक्ट किया है जिसने कल ही एक बैंक लूटने की कोशिश की थी और कुछ लोगों पर हमला करके भाग गया, और अपने प्लान के मुताबिक लाइट एक लड़की को मिलने के लिए बुलाता है जो कि उसकी काफी अच्छी फ्रेंड्स थी शायद। वह देखता है कि वह डिटेक्टिव अभी भी उसका पीछा कर रहा है। लाइट उसे देखकर खुशी होता है क्योंकि वह अभी तो यही प्लान बना रहा था। रियू कहता है कि आखिर तुम करने के वाले हो लाइट। इस पर लाइट कहता है कि सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है डेथ नोट में लिखा हुआ, तुम्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो रियू कहता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं, तुमने क्या लिखा, मैं खुद से देखना चाहता हूँ कि इस खेल में तभी मजा आएगा। लाइट उस लड़की से मिलता है और दोनों एक बस में चढ़ जाते हैं। उनकी पीछे की सीट पर वह डिटेक्टिव भी आ जाता है। ये दोनों नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं तभी एक स्टॉप पर बस रुकती है और वहाँ पर एक क्रिमिनल बस में चढ़ जाता है और वो बस को हाईजेक करने की कोशिश करता है, और वो सबको धमकी देता है कि किसी ने भी अगर कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं सबको मार दूंगा। वो बस ड्राइवर को कहता है कि अपने बड़े ऑफिसर्स को फोन करो और उन्हें कहो कि बस हाईजेक हो चुकी है और सारे के सारे पैसे यहाँ भेजने के लिए कहो। यहाँ पर लाइट एक नोट में यह लिखकर उस लड़की को बताता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसे धक्का देकर उसकी पिस्टल छीन लूंगा, लेकिन पीछे वो डिटेक्टिव मौजूद होता है। वो कहता है कि नहीं, यह खतरनाक है, अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो और कुछ भी लिखकर मत बताओ क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन सकता है। तो लाइट उसे कहता है कि तुम भी तो कहीं उससे मिले हुए तो नहीं हो ना। इस पर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। तब लाइट उसे कहता है कि हाँ ऐसा होता है, हमें लगता है कि हाईजेकर सिर्फ एक ही है लेकिन उसका एक साथी हमारे ही बीच मौजूद हो सकता है, किसी का भी ट्रस्ट नहीं। उसकी बात सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है। अब डिटेक्टिव सोचता है कि वैसे भी लाइट यागामी कीरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इस क्रिमिनल को आसानी से मार सकता था। डिटेक्टिव अपनी आईडी लाइट को दिखा देता है और यहाँ पर पता चलता है कि ये डिटेक्टिव FBI एजेंट है। पर लाइट समझ जाता है कि एल FBI की मदद ले रहा है जापानीज पुलिस फोर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस डिटेक्टिव का नाम होता है रे पेम्बर। लाइट उसका नाम पढ़कर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। लाइट आगे कहता है कि मैं यह नहीं जानना चाहता कि FBI एजेंट इस बस में क्या कर रहा है, लेकिन आपके पास गन तो होगी ना, मतलब आप सब कुछ संभाल लोगे। वो क्रिमिनल जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और न्यूज में दिखाया गया था कि उसने बैंक लूटने की कोशिश की थी और 3 लोगों को मारकर भाग गया था, ये बहुत ही डेंजरस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लाइट ही जानता था कि वो क्रिमिनल कुछ भी नहीं करेगा। अब लाइट जेब से अपना हाथ निकालता है तो एक पेपर नीचे गिर जाता है। लाइट उसे उठाने लगता है तो वो क्रिमिनल उसे देख लेता है और लाइट पर चिल्लाने लगता है। जब वो उस पेपर को चेक करता है तो उस पर कुछ नॉर्मल सी बात लिखी होती है। फिर वो बस एक टनल से होकर गुजरती है तो उस क्रिमिनल को अपने पीछे एक परछाई नजर आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बुरी तरह डर जाता है। वो कहता है कि कौन हो तुम और मेरे पीछे कहाँ छुपे हुए थे। रे पेम्बर को ये लगता है कि वह उसे ही कह रहा है, लेकिन असल में वह रियुक को देख पा रहा था। यहाँ पर रियुक भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। वो क्रिमिनल कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मुझसे दूर खड़े रहो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूं। बस में सभी लोगों को रे पेम्बर झुकने के लिए बोलता है और रियुक ये समझ जाता है कि लाइट की जेब से जो पेपर गिरा था वो डेथ नोट का था, उसी के छूने की वजह से वो क्रिमिनल मुझे देख और सुन पा रहा है। अब रियुक उस क्रिमिनल के पास जाने लगता है तो वो क्रिमिनल उस पर सारी की सारी गोलियां चला देता है और गन खाली कर देता है। रियुक यहाँ कहता है कि एक शिनिगामी को तुम गोलियों से नहीं मार सकते। वैसे लाइट कमाल के प्लान्स बनाता है, वैसे भी वो अपने स्कूल का टॉपर है और यहाँ तो उसने अपना पीछा कर रहे डिटेक्टिव का नाम बड़ी होशियारी से पता कर लिया। अब रे पेम्बर भी अपनी जुगाड़ लगाता है और उस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिमिनल बस से नीचे उतर जाता है और उधर से तेजी से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्रिमिनल वहीं मर जाता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने अपनी डेथ नोट में क्या लिखा था। उसने लिखा था वांटेड क्रिमिनल किचिरो एक्सीडेंटल डेथ। उसके डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा था 11:30 पर वह स्पेसलैंड जाने वाली बस में चढ़ेगा, इसके बाद वह उस बस को हाईजेक करने की कोशिश करेगा और कुछ समय के बाद उसे अपने पीछे एक मॉन्स्टर दिखेगा और उस मॉन्स्टर को गोलियां चलाकर वह अपनी गन खाली कर देगा। इसके बाद वह बस से कूदकर भाग जाएगा लेकिन एक कार से उसका एक्सीडेंट होगा ठीक 11:45 पर,
और वो मर जाएगा। इसके बाद लाइट खुद से कहता है कि डेथ नोट में लिखी बात बिल्कुल सच होती है और अगला नंबर अब तुम्हारा है रेपेम्बर। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।